बेटा पहले अभी अपन क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बच्चों ने बोला था कि सर पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए, देन अभी मैट्रिसेस आपका खत्म नहीं हुआ, ठीक है। उसमें अभी कैलियर मैट्रिक्स थ्योरम बचा हुआ, इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बची हुई है, उसको अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। पहले आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिटरमिनेंट के, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इफ डेल्टा आर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 की पावर आर माइनस 1, 2.3 की पावर आर माइनस 1, 4.5 की पावर आर माइनस 1, ओके, एक्स वाई जेड एंड 2 की पावर एन माइनस 1, 3 की पावर एन माइनस 1 एंड 5 की पावर एन माइनस 1, देन आपसे पूछा गया है समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर इज इक्वल टू, करिए आप लोग। ट्राई करिए सारे बच्चे, इसमें अपन को क्या करना है भैया, हमें पूछा गया आर इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर, समीशन ऑफ डेल्टा आर, सिंपली क्या लिखोगे, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर इक्वल टू। अब बेटा अंदर समीशन केवल इसी रो वन पे ही लगेगा, और तो किसी उसमें रो टू और रो थ्री में तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर आर दिख नहीं रहा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन 2r माइनस 1, समीशन ऑफ 2.3 r माइनस 1, आर इक्वल टू 1 टू एन समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 टू एन 4.5 r माइनस 1, x y z 2n minus 1 3n minus 1 and 5 power n minus 1। बच्चों यहां पर अब सिंपली इसको क्या करना है, समीशन ऑफ 2r minus 1 को ऐड करना है, समीशन निकाल लेना है इसका, इसका भी समीशन और इसका भी समीशन निकाल लेना, ठीक है। और सिंपली यहां पर डिटरमिनेंट आप पुट कर देते हैं, देन देखते हैं समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 2 की पावर r minus 1। यहां तो बच्चों क्या करोगे आप, R इक्वल टू 1 2 रखो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 1, यही आएगा क्या, बोलो बच्चों। अब ये आपको क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट डेट डेट, ये 3 नहीं आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। ये कोई जीपी लिखी हुई क्या आपकी, एक जीपी लिखी हुई है तो जीके में सब निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। आप समाप्त जीपी का फार्मूला लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही हमने सिंपली यहाँ पर लगा दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a आपको कितना है, 1 दिख रहा है, r कितना दिख रहा है बोलो बच्चों, 2 दिख रहा है। अब यहां पर बेटा आप अगला देखते हैं, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन 2.3 की पावर आर माइनस 1। अब यहां पर 2 आप बाहर ले लीजिए भाई, 2 कांस्टेंट तो समीशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या लिखा हुआ, सिंपली आर इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 0, तो मतलब 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डेट 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 3 की पावर एन माइनस 1। जैसे सिंपली इसमें भी जीपी लगा दो, अब क्या आ जाएगा बच्चों, 2 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, और बाहर ले लेते हैं यहीं पर समीशन के, r इक्वल टू 1 टू n 5 की पावर r माइनस 1, क्या लिखोगे बोलो बच्चों, 4 1 प्लस 5 प्लस 5 की पावर 2 प्लस डेट 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 5
की पावर एन माइनस फोर। यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, सिंपली फोर फाइव की पावर एन माइनस सॉरी फाइव की पावर एन आएगा, फाइव की पावर एन माइनस वन अपॉन फाइव माइनस वन, मान लीजिए कितना आ जाएगा फाइव की पावर एन माइनस वन। बेटा ये जो तीनों समीकरण लगे हुए हैं आप लोगों में, इनका वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं सर, आगे फोर और टू नहीं आएगा इन दोनों में? फोर और टू कहाँ पर बेटा? बेटा यहाँ पर देखो थ्री और देखो ना, थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, तो टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर, यस सर, ओके सर, ओके। वैसे यहाँ पर भी फाइव माइनस वन करोगे तो हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या आएगा, टू एन माइनस वन, थ्री एन माइनस वन एंड फाइव एन माइनस वन, यही आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, एक्स वाई जेड, टू की पावर एन माइनस वन, थ्री की पावर एन माइनस वन एंड फाइव की पावर एन माइनस वन। अब बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बोलो बच्चों? जीरो। जीरो आ जाएगी भैया, दो रो जीरो आएगी सर। आओ अपने समझे आगे लिखा है प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली इसमें डिटरमिनेंट की केवल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उन्हें मेनली क्वेश्चन जो सीक्वेंस एंड सीरीज का दिख रहा है कि नहीं? केवल इसमें आपको क्या रो वन को टोटली, तो आप इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ही लग रहा है, केवल और केवल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ठीक है? रो वन इक्वल टू सॉरी रो थ्री। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? बोलो बच्चों। और डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप लोग नोट कर सकते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला गया? इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू जीरो हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के आर। बेटा कभी कभी नॉन जीरो बोल देता है, कभी कभी नॉन ट्राइवल भी बोल देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अब जैसे ही आपको नॉन जीरो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोला, तो आपके माइंड में पहली चीज आ जानी चाहिए कि डेल्टा इक्वल टू जीरो, सॉरी डेल इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो क्या आएगा, इसके कोएफिशिएंट आप लिख लो, वन माइनस के माइनस वन, के माइनस वन माइनस वन, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, वन वन माइनस इक्वल टू जीरो, आपकी के की वैल्यू निकल आएगा, ठीक है? करिए बच्चों आप लोग जल्दी से। सर ये आपने क्या क्या सर किया सर? बेटा जैसे आपने नॉन जीरो बोल दिए जाए, नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवल कभी कभी बोल देता है, ठीक है? नॉन जीरो हो या नॉन ट्राइवल, इसको आप लिख भी सकते हो वहीं पर जहां पर अपने प्रॉपर्टी लिखाई थी, नॉन जीरो सॉल्यूशन, और या तो मैंने लिखाई थी नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए, बट नॉन ट्राइवल भी कभी कभी एग्जाम में या किसी बुक में लिखा होता है। तो नॉन जीरो और नॉन ट्राइवल का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट आपको पहला जो स्टेप करना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देना, आपका जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा, ठीक है? इसको आप नोट बना के भी लिख सकते हो, इफ सिस्टम है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन जीरो को ही नॉन ट्राइवल बोलते हैं, ठीक है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, देन एल इक्वल टू जीरो या किसी किसी बुक में डी इक्वल टू जीरो, ठीक है?
इसमें आपको डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी। करिए आप लोग। क्या हुआ बेटा? जो भी आंसर है मुझे नहीं पता बेटा, आंसर तो मुझे भी नहीं पता। एक दो बच्चों के सेम आएगा तो आपका आंसर सही है। किसी अन्य बच्चे ने निकाला बेटा के का वैल्यू क्या आएगा? प्रथम पटेल कितना आया के की वैल्यू? सर एक मिनट कर रहा हूँ। जैनम कितना आया के की वैल्यू? आप सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर के की वैल्यू आएगी माइनस वन और वन आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यदि यहीं पर बच्चों यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता तब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मीन्स डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, यस या नो? तब यहां पर क्या आ जाएगा? के की वैल्यू माइनस और वन नहीं हो सकती। क्लियर रिद्धि? बोलो बेटा। यूनिक सॉल्यूशन यही तो करते थे अपन, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर इक्वल टू जीरो कर दिया तो वहां पर डज नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो के डज नॉट इक्वल टू माइनस वन और वन आ जाएगा। अब मान लो कभी ये पूछ लिया गया तो ये मत बोलना सर ने आपने कराया नहीं था। सर कौन से सॉल्यूशन बोले आप? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो। यस यस सर, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है वैल्यू? बोलो बेटा। इक्वल टू जीरो, D1 equal to 0 and D2 equal to 0। यहाँ पर D3 के कोई भी आएगा नहीं क्योंकि दो ही अननोन है x और y, तो D1 और D2 आएगा। क्लियर बच्चों? D equal to 0, D1 equal to 0 and D2 equal to 0। ये आपका हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोला गया इसलिए अपन ने ये कर लिया। अब यहाँ से D equal to 0 कर लो, D1 equal to 0 करो और D2 equal to 0 करो। आपको आंसर बताओ क्या क्या आ रहा है? द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के, एक ही वैल्यू पूछी गई है।
इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लो सॉल्व। भाई तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन के इक्वल टू वन ही तो आ रहा है, बोलो बच्चों। तो के इक्वल टू वन तो ओनली सॉल्यूशन, मतलब के इक्वल टू वन आप तीनों में रख दोगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? जीरो इक्वल आएगा भैया। अब यहाँ पर प्लस थ्री आ रहा है भैया, प्लस थ्री इसमें रखोगे, के प्लस थ्री इसमें रख दोगे तो नहीं आएगा जीरो, इसमें रख दोगे तो नहीं आएगा, इसीलिए केवल जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो के का फैक्टर वही होगा। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स यदि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे इजी पूछ रहे थे कि नहीं सर इनका क्या यूज है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है? आईआईटी वगैरह में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे आईआईटी के आज करा रहा हूँ, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर आए हुए। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा are the roots of the equation x cube plus px plus q equal to 0 with p does not equal to 0, ठीक है, and q does not equal to 0, the value of determinant, alpha beta gamma, beta gamma alpha, gamma alpha beta is, ऑप्शन नंबर इसमें दिए हुए हैं, ए ऑप्शन, सी, बी ऑप्शन, क्यू, सी ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस टू टू, बी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसमें क्या बोला गया भैया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा बीटा गामा रूट्स दिए हुए हैं, अब अपन से पूछा था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, यहां से एक चीज तो आपको दिखती हुई भैया पॉलिनोमियल देख के क्या लग रहा है आपको, इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगा, प्रथम पटेल बोलो बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, जीरो, जीरो कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, जागृत बोलो बेटा तुम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा इसका, कितना, जैनम साहब बोलो बेटा आप, मीट बोलो बेटा, श्रेय रुद्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज
पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या आएगा बोलो सर? माइनस डी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो भैया यहाँ पर इसका फाइनल क्या आएगा? माइनस बी बाई ए क्या होता है? बी क्या होता है, किसका कोफिशिएंट होता है? कांस्टेंट का। रिद्धि बोलो बेटा इसका क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगा सर? जीरो। जीरो कैसे आएगा ये बताओ सर? जीरो ही आएगा ना सर, एक्सप्रेशन का जो कोएफिशिएंट तो जीरो है। हाँ तो यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, यहाँ पर पॉलिनोमियल किस टाइप की होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप की। तब क्या था समाप्रूट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, इस हेंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी गई भैया, तो क्या करोगे आप? ऐसा करो इसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, ये भी लास्ट प्रीवियस ईयर पूछा ही क्वेश्चन, देखना एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री क्या आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा गामा अल्फा, अल्फा सही गामा, यहाँ पर हाँ गामा ठीक ठीक है, गामा अल्फा बीटा ये आया। और यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया भैया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इस पे जीरो रख दो आप, जीरो जीरो जीरो, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा, ये होल क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? जीरो। आपका आंसर कोई दिया हुआ है क्या? बोलो। नो सर नॉट। बेटा अब आपको जैसे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं ऑलरेडी अगला क्वेश्चन देखो। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सबको पता है बोलो बच्चों क्या होता है ओमेगा? क्या होता है क्या सर? नहीं पता। इफ ओमेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ोगे आप लोग? इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ then the value of determinant की value पूछी गई है 1 plus omega omega square minus omega, 1 plus omega square omega minus omega square, omega square plus omega omega minus omega square, ठीक है, equal to what? आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए ऑप्शन जीरो, बी ऑप्शन टू ओमेगा, सी ऑप्शन टू ओमेगा स्क्वायर, डी ऑप्शन माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर। सर ये क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी होता क्या है? यूनिटी, इंफिनिटी नहीं बोला गया, यूनिटी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? वन होती है सर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है। या सर होता क्या है वही नहीं पता? हाँ सर वही नहीं पता। करो इसको क्वेश्चन को, अब आपको ये देखोगे यहां पर इसको सॉल्व करना, देखो यार आप डायरेक्टली इसको सॉल्व मत करने लगा करो, करोगे ना बैठ के डायरेक्टली करोगे तो काफी लेंदी हो जाएंगी चीजें, थोड़ा सा इजी करते हैं। पहले क्या करते हैं, क्या होगा बेटा यहाँ पर? आप क्या करो, सी वन
टेंस टू सी वन प्लस सी टू कर दो, सी वन की जगह सी वन और प्लस सी टू कर दो, यहाँ पर देखो कुछ आ जाएगा सर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा भाई, सी टू और सी थ्री को तो एजिटिव रखना वैसे रख लो यहाँ पर, अब यहां पर क्या आएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा, यदि ये करने से तो ये क्या हो रहा है जीरो हो रहा है क्या, बोलो बच्चों यहां पर हमने लिख दिया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, क्लियर है, यहां पर ये तो जीरो हो गया, जीरो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जीरो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आप एक किसी अभी इस कॉलम के इस एलिमेंट के थ्रू आप एक्सपेंड कर दो, बस हो जाएगा आपका, क्लियर बच्चों, बोलो या किसी को एक्सपेंड करना है, यदि किसी को उसमें और मैनिपुलेशन करना है, यहां से मैनिपुलेशन क्या कर लोगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा, स्पॉट है यहां पर क्या आएगा माइनस ओमेगा की पावर फोर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा, माइनस ओमेगा की पावर फोर को क्या ले सकते हैं माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू शायद यहां पर मैंने भूल रखी वन होती है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, अब मल्टीप्लाई आप करा लो तो क्या आएगा माइनस ओमेगा क्यूब माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर फोर प्लस टू ओमेगा क्यूब, यहां से कितना आएगा इसका वैल्यू माइनस वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या कर लोगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस टू ओमेगा क्यूब वन होता है, टू हो गया, अब यहां से आप थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लो यार बच्चों, क्या होगा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। अब आप ऐसा करो वन प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो क्या, यहाँ से रख दो वन प्लस ओमेगा की जगह क्या रखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर रखो, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री ओमेगा, ठीक, आपको जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर बच्चों, बोलो या किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम मान लो ये कैसे देखेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में ओमेगा वाले में आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे तब भी आपको, हाँ ये दोनों प्रॉपर्टी यदि आपको पता है तो आप इनको संभाल संभाल के रखोगे तो आपका हो जाएगा, यदि आपने ऐसे कर लिया तो इसमें ज्यादा इजी हो गया बस, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं, बोलो बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, यदि बेटा डाउट तो नहीं है कोई, अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
a cube x plus a plus 1 की पावर 3 y प्लस a प्लस 2 की पावर 3 z इक्वल टू 0 ax प्लस a प्लस 1 y प्लस a प्लस 2 z इक्वल टू 0 x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 एज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। बेटा नॉन जीरो जैसे ही बोला आपको के माइंड में क्या क्लिक हुआ, बोलो बच्चों। डेल इक्वल टू, बस आप डेल निकाल लो इसका, ए क्यूब ए वन, ए प्लस वन का क्यूब, ए प्लस वन वन, ए प्लस टू का क्यूब, ए प्लस टू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद तो सारे बच्चे डिटरमिनेंट आप निकाल देते हो, नोट कर लो, इसके बाद आप घर पे करना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अब यहाँ नॉन जीरो, यहाँ भी नॉन ट्राइवल बोल सकता है, ठीक है। यदि एग्जाम में नॉन ट्राइवल आ जाए, मैं टेस्ट पेपर लूँ तो नॉन ट्राइवल डाल दूँ, तो आप लोगों को याद रहनी चाहिए चीजें। लेट टी इक्वल टू वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा वन। जीरो से थीटा, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है बेसिकली इसमें डिटरमिनेंट निकालना है, इसके बाद जीरो थीटा क्या होना चाहिए, जीरो टू टू वाई के बीच में, ए ऑप्शन, डी इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन, डी बिलोंग्स टू जीरो टू इनफिनिटी, सी ऑप्शन, डी बिलोंग्स टू 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 फोर, डी ऑप्शन, डी बिलोंग टू। अरे बच्चों ये क्वेश्चन सारे बच्चों करोगे, इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे बच्चों करोगे और आंसर बताओ आपको। सर ऊपर वाले में आपने क्या बोला था, उसमें बेटा क्या बोला गया था, नॉन जीरो था। इसमें देखो ऊपर वाले में एज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, एज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन का मींस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, ठीक है। एक की वैल्यू आ जाएगी, अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दोगे, एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये सर सी आ रहा है, आंसर ऐसे आ गया सी, मतलब सर सॉल्व किया। और बच्चों को निकालने दो, डिस्क्रिमिनेंट आप जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। सारे बच्चे देखो ये आ रहा है क्या, टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा यहां से कितनी आ जाएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम, बोलो बेटा फोर, फोर।
किसी को बेटा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं, सबका आ गया ना, बोलो बेटा। तो लास्ट स्टेप में अपने टू और फोर कैसे किया सर? बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो जीरो और वन के बीच में होता है, इसका ग्राफ देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप का ही बनता है। इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम जीरो और मैक्सिमम वन, तो जीरो और वन के बीच में होता है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, तो रेंज कैसा है, रेंज भैया कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसकी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू जीरो रख दोगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, यहाँ पर वन रख दोगे तो फोर आ जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ प्रथम सर? लेकिन वो वन रख, वो जीरो रखा तो टू कैसे आया सर? अरे यार जीरो रखो तो टू, वन प्लस जीरो वन होता है भैया, टू। ये भी बताना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है, वैसा बोलो सर। हाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो जीरो, हम यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या बोला, जीरो से वन के बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर जीरो रख दो, वन प्लस जीरो कितना आ जाएगा, मतलब सर वो डिटरमिनेंट करने के बाद टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है सर? हाँ यस, इसका डिटरमिनेंट तो आप करो पहले। सर मैंने किया लेकिन ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता ये बताओ आप? पता नहीं सर, मतलब वो अपना रेगुलर करते वैसे ही करना है ना सर, या फिर कुछ लगा? हाँ यार सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू कर दो इसमें पहले, सॉरी सी वन प्लस सी थ्री, इसके बाद देखना है। वो नहीं किया सर। अरे यार तो आप डायरेक्टली भी करोगे तो आएगा, मैं करके दिखाऊं क्या? करो ना सर, डायरेक्टली करो तो। डायरेक्टली करता हूँ वो तो मैं इजी करने के लिए करता हूँ, ये नहीं मैंने पहले ही बोल रखा है। क्वेश्चन वन, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन, साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा एंड वन। अब यहां पर डायरेक्टली करते हैं, ठीक है अपन, तो वन इसके इस रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, इसको हटाया इसको हटाया, वन माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर आ गया क्या, माइनस साइन थीटा, इसको हटाया कितना आया, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, इसको हटाया कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, बोलो बच्चों। यहां पर ये तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा जीरो हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? मैंने वो साइन में थोड़ा गलती कर दी है सर, हम ये आ गए ठीक, सॉरी सर। कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती तो मुझसे भी हो जाती है, मैंने बताया ना, बट ये जब आप लोग बोल देते हो कि नहीं सर हम ये पहली बार चीज देख रहे हैं तब मुझे कंफ्यूजन हो जाता है यार, गलती में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, गलती मैंने आपको पहले बता रखा, मेरे से भी गलती होती है। और ये भी आपको शायद देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, इसलिए गलती से आप लोग सीखो, गलती ना हो ये चीजों को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, गलती तो आपसे होगी ऑलवेज होगी। 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू टू, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस टू, एंड एक्स प्लस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू फोर, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation, then the value of lambda such that the given system of equation has no solution,
ऑप्शन बोला गया है, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन -1। नो सॉल्यूशन मींस क्या होगा, पहले डेल डी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जीरो होगा, जीरो हो जाएगा सर। एट लीस्ट वन मतलब कम से कम एक डी वन डी टू डी थ्री आप निकालोगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। ये कंडीशन पढ़ी है ना आप लोगों ने, बोलो डी वन डी टू डी थ्री नॉन जीरो भी होना चाहिए, तो आप इसमें चेक कर लेना यार, ठीक है। डी इक्वल टू जीरो करोगे आप पहले कर दो, और इसके बाद देख लेना डी वन डी टू डी थ्री कोई एक देख लेना, नॉन जीरो आना चाहिए बस, नॉन जीरो नो सॉल्यूशन हो जाए। और इसमें लैम्डा के सारे नॉन जीरो हो सकते हैं सर। हाँ भैया एट लीस्ट का मतलब क्या होता है यार, मैंने क्या बोला एट लीस्ट वन ऑफ डी वन डी टू डी थ्री कोई एक जीरो होना, सारे नॉन जीरो हो जाए कोई दिक्कत, नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ ये डी वन डी टू डी थ्री नॉन जीरो होना चाहिए, ना कि डी नॉन जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पर लैम्डा की शायद एक ही वैल्यू आती है, जो मैंने कभी एक दो साल पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लैम्डा की एक ही वैल्यू आती है, और वो एक आप डी वन में रख दोगे सारे नॉन जीरो आ जाएगा, मुझे ऐसा वन आता है सर। सर हाँ लैम्डा की वैल्यू वन आ रही है, लैम्डा की वैल्यू वन आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है ना बेटा लैम्डा की। यस सर वन ही आती है, लैम्डा इक्वल्स वन आता है, लैम्डा इक्वल टू वन आ गया। तो अब देख लो इसमें डी वन में रख दो, डी वन में रख दो सर नॉन जीरो आ जाएगा, तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बी हो गया। सर सारे नॉन जीरो ही आते हैं, नहीं नहीं और डी टू जीरो आता है, कोई भी है बाकी दोनों नॉन जीरो। अब आपको क्वेश्चन को कुछ आइडिया मिल रहा है बेटा, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोलो बच्चों, ये सारे मैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, कोई नया क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ, बोलो अगला क्वेश्चन लिखो। If dr equal to r1 n n plus 1 upon 2, 2r minus 1, 2r की पावर 1, ठीक है 4 and 5, यहां पर क्या रहा है n square 2n minus 1, ठीक है। अब आपसे पूछा गया then the value of, जैसे पहला क्वेश्चन कराया तो वैसे ही सेम है ये भी, देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन डी आर। अब इसमें देखो यहां पर सी वन में क्यों समेशन लगाओगे, अदरवाइज समेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सी वन में समेशन लगा दो, कितना आंसर आएगा। अब यहां पर सी वन में समेशन क्या बोला करने का सर, इसमें बोला गया इफ डी आर इक्वल टू, ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, then the value of summation of r equal to 1 to n dr, value बताना है, a option 0, b option क्या दिया हो सकता है, 1 कर लो, c option n n plus 1, 2 n plus 1 by 6 कर लो, d option none of these, समझ में आया। जैसे पहले क्वेश्चन क्या करना था उसमें भी summation of r equal to 1 to n करना था, यहाँ पर वेरिएबल देखो r 2 की पावर r minus, sorry 2 r minus 1 एंड टू की पावर आर माइनस वन, तो ये इसमें केवल लग जाएगा, तो क्या आएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन, आर इक्वल टू कितना आएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डेट एट डेट डैश एन, इसका वैल्यू क्या आता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन ऑड नेचुरल सॉरी एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, क्लियर है बच्चों, बोलो समेशन ऑफ इसमें समेशन लगे तो क्या आएगा आर इक्वल टू वन टू एन, 2r minus 1 equal to 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 dash 2n minus 1, इसका summation क्या होता है सर n square आता है, आता है क्या बोलो बच्चों, n odd natural number का sum क्या आता है n square, r equal to 1 to n, 2 की power r minus 1 equal to कितना आएगा, 2 की power यहाँ पर रख दोगे तो 1 plus 2 plus 2 square plus dot 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 dash 2 की power n minus 1, अभी हमने just इसका निकाला तो कितना आएगा answer 2 की power n minus 1, अब देख लो आप रख दो यार यहाँ पर डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ, ठीक है एन एन प्लस वन अपॉन टू वन फोर फाइव एन एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर
टू एन माइनस वन अपॉन टू आर है यहाँ पर, टू आर माइनस वन टू की पावर आर माइनस वन। अरे यार यहाँ तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख रहे थे ना, डायरेक्टली वैल्यू रख, क्या करना है आपको, n स्क्वायर आ गया यहाँ पर 2 की पावर n माइनस वन, ये दोनों कॉलम क्या है आपस में सेम है, यदि दो कॉलम आपस में सेम है तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या आएगी, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n dr इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सर वो आपने जो 2 पावर r माइनस 1 उसमें 2 n माइनस 1 कैसे आया सर, बेटा r इक्वल टू n रख दो यहाँ पर, n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 नहीं आएगा क्या। अच्छा हाँ, ये कैसे आया मतलब 2 की पावर n माइनस 1 कैसे आया, आप इसका जीपी बन रहा है a इक्वल टू 1 यस सर, r इक्वल टू 2 तो आप जीपी बना लो, एसएन इक्वल टू क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a r की पावर कितना है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन, ये पावर में नहीं है 1, ये याद रखना ये अलग है n 2 माइनस 1, तो a कितना था a 1 होता है यहाँ पर, तो a 1 कर दो यहाँ पर, ये वन हो जाएगा तो क्या बचेगा सिंपली 2 की पावर n माइनस 1, तो यही पर तो हमने लिख दिया 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पे सेम। ठीक है बोलो, यदि बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। टू माइ बाहर बाहर ए लिखा है ना से ए इनटू टू की पावर एन माइनस टू बाय एन टू बाय वन, यहाँ पर देखो ये कॉलम वन और कॉलम थ्री दोनों सेम हैं, और जैसे ही दो रो या दो कॉलम सेम हो रहे हैं डिटरमिनेंट को तो वैल्यू जीरो जीरो आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या, बोलो फॉर्मूला आपने आपने क्या लिखा है सर, ए लिखा है या एन लिखा है पता नहीं चला सर। यार यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला हमने लगाया है, तो ए की जगह वन रख दो यहाँ पर, हमने निकाल तो दिया इक्वल टू वन आर इक्वल टू टू, ये आप छापने की कोशिश मत किया करो, मतलब लिख थोड़ा खुद से समझदारी से लिखने की कोशिश करो, टाइम उससे टाइम ले लिया करो आप। भैया यहाँ पर क्या बोला गया है, डी आर इक्वल टू एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अपन से चाहिए समीशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन डी आर की वैल्यू चाहिए, भैया समीशन केवल यहाँ पर आर जो वेरिएबल उसी पे तो लगेगा, अब यहाँ 1 4 5 इसमें तो लगा हुआ नहीं है, इसमें समीशन लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, अब हमने समीशन सामने लिख रखे हैं, अब इनकी वैल्यू क्या आ रही है, टी ए आ रही है, टी ए आ रही है, टी ए आ रही है, तीनों वैल्यू अपन पुट कर दिया डायरेक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है बोलो, प्रथम समझ में आया बच्चे, अब यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आज का लास्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है आज, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस एच बिलोंग्स टू आर, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच, एक्स की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है क्या आता है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है x x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 2x प्लस 4x स्क्वायर 1 प्लस x 8x क्यूब 3x 9x स्क्वायर 1 प्लस 27x क्यूब इक्वल टू 10, आपको ऑप्शन दे रखा है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3,
ऑप्शन डी करिए। इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, और यदि किसी बच्चे ने डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो वो बच्चा पागल हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा, मतलब करते करते पागल हो जाएगा, वो नहीं निकल पाएगा। इसमें कुछ स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं अपन। अब स्मार्ट कैसे बनते हैं ये भी देखते हैं। अपन इस पूरे डिटरमिनेंट से आप ऐसा करो बच्चों, कॉलम वन से नहीं बेटा, कॉलम वन से x कॉमन ले लो, कॉलम टू से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर x क्यूब आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस 8x क्यूब, 1 प्लस 27x क्यूब। ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस 2016। आपसे इतना क्वेश्चन पूछा गया, तो चार नंबर क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे भैया, सी वन से एक्स कॉमन ले लिया, सी टू से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कुछ इस टाइप का डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब यदि कुछ इस टाइप का डिटरमिनेंट दिख रहा है, तो मैंने शायद आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था, यदि यहाँ पर ए प्लस बी टाइप का दिया तो अलग अलग क्या कर दो डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, क्या बोलो बच्चों? मैंने एक प्रॉपर्टी याद करो वो दिन जब मैंने बताया था, याद आ गया? यस सर, फिर दोनों का सेपरेट डिटरमिनेंट करने का सर। इससे देखना कितना आसान हो जाएगा। मैंने बार बार बोलता हूँ कि आईआईटी कभी भी कैलकुलेशन नहीं कराती है, केवल वो माइंड चेक करती है आपका, बस सारी प्रॉपर्टी आपको आती है कि नहीं आती है, फर्जी तो नहीं हो आप। तो अब यहाँ पर अब इसका तो सिंपली आप डिटरमिनेंट निकाल लोगे, अब ये जी दिख गया कि नहीं, बोलो दिखा क्या बच्चों? अब यहां से आप x क्यूब कॉमन ले लो, क्या आएगा? 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8, 27। यहां से जब x तो x की पावर 3 कॉमन ले लो, तो यहां पर x की पावर 6 आ जाएगा ना, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 1, 1। अब बोलो बच्चों इसका, अब भैया इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। करके देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, अब इसके आगे इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट निकालो, देन आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ आप लोग। ये आज थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर।